से स्टार्टिंग। शाम को मेरा नाम डॉक्टर लकेश खत्री, मैं सेकंड सो मीरपुर खास, मैं मीरपुर खास के अलावा एक दिन उमरकोट और एक दिन खिपरो में ओपनी करता हूँ। तो मेरे पास तकरीबन इस मीरपुर का डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और मीरपुर खास और टंडोला डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं। जहाँ तक बात है प्रीवेलेंस जो है उसमें ये है कि तकरीबन पाकिस्तान की आबादी का जो 20% जो लोग हैं वो जहनी बीमारी में मुबतला है। अगर हम अंदाजा लगाएं जो मीरपुर खास अगर डिस्ट्रिक्ट की आबादी 17 लाख है तो समझे कि ये तकरीबन जो है वो 34,000 मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में। अगर पाकिस्तान की आबादी अगर मिसाल तो 24 करोड़ है तो आप समझ लें कि तकरीबन जो है वो 2,40,00,000 से तकरीबन 5 लाख जो भी मरीज हैं वो जहनी अमराज के मरीज हैं। अच्छा, अब आते हैं फैमिली टाइम पे। तो अगर आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं तो आप फैमिली को समझने की बड़ी अच्छी आपकी बॉन्डिंग बनती है और फैमिली में आप जो भी मसले मसाल हो रहे हैं उसको आप टैकल कर सकते हैं, उसको चीज़ों को लेके सकते हैं। और नफ्सियात में ये भी है कि कहते हैं कि हमेशा अपने जो है एक वक्त का खाना अपनी फैमिली के साथ खाया करें, उससे उसके दुख दर्द समझने का मौका मिलता है। अगर कोई उसको मसला है तो उसकी मदद मिल सकती है। तो इस तरह से वो एक फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और फैमिली के आप अच्छी जो है उसकी मदद भी कर सकते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। मैं अपनी जहनी सेहत को बेहतर करने के लिए अच्छी नींद करता हूँ, सुबह पहले जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, अपनी जो है वो इबादत करता हूँ, उसके बाद नहाना, नाश्ता करना, नाश्ता करने के बाद मैं अपना पूरा रूटीन सेट करता हूँ कि मुझे आज के दिन में क्या करना, कौन सी चीज़ को ज़्यादा मतलब अहमियत देनी, किसको कम अहमियत देनी है। उसके बाद मैं अपनी ऑफिस वगैरह जो हॉस्पिटल वहाँ जाता हूँ, उसके बाद कुछ जो है बुक्स पढ़ता हूँ, कुछ शाम को मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ टाइम में अपने जो है वो दोस्तों के लिए निकालता हूँ, कुछ टाइम में अपने सोशल एक्टिविटी के लिए निकालता हूँ। अपनी फैमिली के साथ हमेशा पोलाइटली बात करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, उनको कोई अगर चीज़ की जरूरत हो मशवरा तो वो देता हूँ। अपना जो स्ट्रेस है वो उसको मैनेज करता हूँ, पहले अपने सराउंड में देखता हूँ, उससे बेहतर तो ठीक है तो अपने किसी सीनियर से उसका मशवरा करता हूँ, जो टाइम को स्ट्रेस को मैनेज करता हूँ और अच्छी सबके लिए अच्छी दुआ करता हूँ, अच्छे किसी को कोशिश करता हूँ किसी न किसी को कुछ दूँ तो कुछ नेकी करूँ, तो इससे मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है और मेरी जहनी सेहत बड़ी अच्छी गुजरती है। अब आपने जो इस हर साल जैसे आपको पता है कि जो 10 अक्टूबर को जहनी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है, इस दिन मनाने का मकसद है लोगों में आगाही दी जाए, क्योंकि देखा ये गया है कि जो तकरीबन 90% जो पेशेंट है नफ्सियात की हम अगर देखें डेवलपिंग कंट्रीज में, उसमें जो है वो माहिर नफ्सियात तक नहीं पहुँच पाते। उसकी वजह एक तो आगाही नहीं होती और वसायल कमी और मसायल ज्यादा हैं। पूरी दुनिया में जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं उनमें मसायल कम हैं, वसायल ज्यादा हैं। जो तरक्की कर रहे हैं लोग जिसमें पाकिस्तान में, उसमें मसायल ज्यादा हैं, वसायल कम हैं, इसी वजह से लोग उनको नहीं पहुंच पाते। तो ये दिन मनाने का मकसद भी ये होता है कि लोगों में आगाही दी जाए और लोग अपनी जो एक तो उस पर काम करें, प्रिवेंशन पे काम करें और बाद में सही अपनी जगह पे पहुंच सके। तो इस बार जो थीम दिया गया है वो दिया गया है कि आलमी तौर पर जो है जो बेसिक जो है उसका हक है जहनी सेहत हासिल करना। तो ये अगर एक बंदा भी डिस्टर्ब है तो पूरे माशरे को डिस्टर्ब करता है, पूरे घर को डिस्टर्ब करता है। तो एक बंदा अगर एक बंदा भी ठीक होता तो हम समझे उस माशरे की अच्छी इसलाह करते हैं। तो ये जो है थीम इसका कि हर बंदे का एक बुनियादी हक है कि उसको जहनी सेहत बेहतर हो। मैं नबी कासिम फार्मा का बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस जो आलमी जो दिन है उस पर मुझे मौका दिया कि मैं आवाम की आगाही के लिए कुछ बात कर सकूँ। थैंक यू नबी कासिम फार्मा।